हरे कृष्णा। 20वीं सदी के आरंभ में इंग्लैंड की एक कथा में आपसे चर्चा करता हूँ। एक परिवार था जिनका नाम है क्लार्क फैमिली। क्लार्क परिवार अपने मन में अमेरिका जाने की इच्छा रखते थे। बहुत परिश्रम करने के पश्चात पर्याप्त मात्रा में जब धन का संचय हुआ तो मिस्टर क्लार्क ने विचार किया कि अब हम अमेरिका की यात्रा पूर्ण करेंगे। शिप के टिकट की बुकिंग कर ली, लेकिन उनकी यात्रा आरंभ होने से कुछ सप्ताह पूर्व उनके नन्हे से बच्चे को एक कुत्ते ने काट लिया, जिसके कारण उनको उस शिप की यात्रा करने से निष्कासित कर दिया गया, निषिद्ध कर दिया गया। बड़े परेशान हो गए मिस्टर क्लार्क। विचार कर रहे थे कि हमने ऐसे क्या करतूत किए जिसके कारण ये हुआ। ये तो हमारे हृदय का स्वप्न था, हमारे जीवन का लक्ष्य था कि हम इस यात्रा को पूर्ण करें। और जिस दिन वो जहाज लंदन से निकली और अमेरिका की ओर गई, उस समय मिस्टर क्लार्क वहां खड़े होकर उस जहाज को जाता हुआ देखकर आंखों से आंसुए बहा रहे थे, पश्चाताप कर रहे थे, विलाप कर रहे थे, अपने किस्मत को कोस रहे थे। कुछ ही दिनों के पश्चात उनको समाचार प्राप्त हुआ कि वो जहाज टाइटैनिक ध्वस्त हुआ, डूब गया और उस पर अधिकांश लोग, उनकी मृत्यु हो गई। ये सुनकर मिस्टर क्लार्क के हृदय में एक परिवर्तन आ गया और सोचने लगे जो हुआ अच्छा हुआ। भागवत वर्णन करता है, सर्वम कालकृतम मन्ये भवताम चैदप्रियम सपालो यद वशे लोको वायोर इव घनावली। आसमान में मेघमंडल बड़े प्रभावशाली लगते हैं, लेकिन मेघमंडल का शक्तिशाली समूह भी केवल वायु के एक झोंके से तितर बितर हो जाता है। उसी प्रकार इस जगत की तथाकथित शक्तिशाली सत्ता केवल काल के एक झुकाव से, एक झोंके से समाप्त हो सकता है, नष्ट हो सकता है। आइए हम काल के इस शक्ति को समझें और हमारे प्रत्येक 24 घंटे के हर क्षण में किस प्रकार हम निर्णय लें, विवेक शक्ति का प्रयोग करें, जिससे काल के बहती हुई नदी का हम वास्तविक लाभ ले सकें। ये हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।